के कटेगा नहीं रुझान, जो बढ़त बन गई है लास्ट राउंड तक ये बनी रहेगी। जनता के अंदर एक बहुत तगड़ा जोश है योगी के प्रति। एक मुख्यमंत्री जो 5 साल से 4 जोड़ी कपड़े में प्रदेश चला रहा है, और वो भी उत्तर प्रदेश, भारत का वो सबसे बड़ा सूबा है जहाँ देखिए गोरक्षपीठ पे बैठ के तो कोई भी ब्रह्मचारी रह सकता है, उत्तर प्रदेश सीएम की कुर्सी पे बैठ के ब्रह्मचारी रहना, समानता का भाव रखना, ये उनके हालांकि शुरुआती रुझान है, लेकिन रुझानों से दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त में है। तो आपको लगता है कि जो योगी का सुशासन था उस पर लोग भरोसा करते दिख रहे हैं? जी हाँ, योगी के सुशासन पर लोगों को 100% भरोसा था। कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य की ये उपलब्धियाँ हैं, और योगी जी 350 से ज़्यादा सीटें पाने जा रहे हैं। तो ये जो जोश है इस वक्त, जो भाजपा के तमाम नेता और कार्यकर्ता भाजपा के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए हैं, उनमें देखने को मिल रहा है। हालांकि देखा जाए तो अभी काउंटिंग को लेकर आपको बता दें, लखनऊ में जश्न शुरू हो गया है। बीजेपी दफ्तर की अगर हम बात करें तो जश्न शुरू हो गया है। अभी सिर्फ पहले राउंड की काउंटिंग हुई, उससे पहले ही आपको बता दें लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जहां पूर्ण बहुमत की ओर लगातार बढ़ती नजर आ रही है, और लखनऊ, राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो विधानसभा के ठीक सामने बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है, वहां पर जश्न का माहौल लगातार बनता चला जा रहा है। तो हर एक अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। और अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो 284 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है बीजेपी। तो नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी भी अब पीछे नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं राम गोविंद चौधरी और नेता प्रतिपक्ष हैं। और वहीं अगर हम कुछ और बड़े नामों का जिक्र करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी पीछे चल रहे हैं। देवबंद में अगर हम बात करें बीजेपी के ब्रजेश सिंह 2000 वोट से आगे चल रहे हैं। और अगर हम बात करें शलभ मणि त्रिपाठी, बीजेपी के प्रवक्ता थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार थे, वो भी फाइट कर रहे हैं। तो आयुष लगातार हमारे साथ बने हुए, हमारे तमाम सहयोगी हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपके पास चलेंगे आयुष। बिल्कुल, एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए कह सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी बलिया के बांसडीह विधानसभा सीट से प्रत्याशी थे, सिटिंग एमएलए भी थे, नेता प्रतिपक्ष चुकी थे, पीछे चल रहे हैं। गोरखपुर कर करेंगे, गोरखपुर में सीटों का हाल बताइए दीपक, क्या है? देखिए, गोरखपुर में इस समय सिर्फ एक खजनी सीट को छोड़ दें तो बाकी सभी 8 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। खजनी में भी अभी पहले राउंड में बीजेपी आगे थी, लेकिन दूसरे राउंड में इसमें बीएसपी आगे चल रही है, और ये आ रहा कि 2 से 3 राउंड में जो स्थिति है वो फिर बीजेपी आगे होगी, क्योंकि जो अंतर है वो बेहद मामूली है। सिर्फ गोरखपुर की बात नहीं करें, कुशीनगर की बात करें, महाराजगंज की बात करें, बस्ती सिद्धार्थनगर की बात करें, तो हर जगह बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। और उन तमाम सीटों पे जहां पे बीजेपी को भी यकीन नहीं था कि इस बार उनके विधायक जीतेंगे, वहां पे भी इस बार बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। अभी तक जितने भी राउंड के परिणाम आए हैं, तो निश्चित रूप से अगर कहें सबसे ज्यादा निगाहें हो जाती है, क्योंकि अब तक बीजेपी यहां कभी जीत नहीं पाई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चिल्लूपार में राजेश त्रिपाठी इस समय दूसरे राउंड में आगे चल रहे हैं, विनय शंकर तिवारी दूसरे पोजीशन पे हैं। गोरखपुर ग्रामीण सीट की बात करें तो विजय बहादुर इस समय जो समाजवादी पार्टी से हैं दूसरे सीट पे हैं, विपिन सिंह जो निवर्तमान यहां के विधायक हैं। चलिए, बड़ी खबर है, दीपक ने जैसा बताया 9 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, ब्रेकिंग न्यूज उस वक्त की। और खजनी सीट जहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीराम चौहान लड़ रहे थे, वही सीट इकलौती है जहां बीजेपी पिछड़ी है। हालांकि जैसा दीपक ने बताया कि बीएसपी और बीजेपी में टक्कर है, बहुत ज्यादा फासला नहीं है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रभाव पूजा पूरे इलाके में दिख रहा है। बिल्कुल आयुष, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था विधायकों को लेकर, उसको लेकर लगातार संशय बरकरार था कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है यहाँ पर। बड़ी अपडेट इस वक्त की ये है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के फेस वैल्यू की भी आप बात कर लीजिए, तो उसको कवर अप करते हुए यहाँ पर अब गोरखपुर की 9 सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाते हुए आगे चल रही है।